तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद गोकू और वेजिटा कुछ समय के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और गोकू भी समय समय पे अपने खेतों में काम करने के लिए जाता रहता है, वो भी सिर्फ चीची के कहने पे ही। दूसरी तरफ वेजिटा इस समय अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते जिनोसामा के पैलेस पे, जहाँ पर फ्यूचर जिनोसामा और प्रेजेंट के जिनोसामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और तभी फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, हे क्या तुमने देखा, गोकू की पावर टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी दूसरे जिनोसामा कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही कहा, गोकू पहला ऐसा मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है, तो तुम इसमें क्या कहते हो ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ जिनोसामा आप एकदम सही कह रहे हो, गोकू पहला ऐसा मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया है। मुझे भी जब मैंने गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट पे देखा था तो सच बताऊं तो मुझे भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ था। जिसके ऊपर फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, हे कैसा रहेगा अगर हम गोकू को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगता है जिनोसामा, क्योंकि इस समय में हमारे सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे एक बार वीस और वाडोस ने कहा था कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा आपको सही लगे जिनोसामा, तो जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह और देना चाहूंगा। जिसके ऊपर जिनोसामा वापस से कहते हैं, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, तुम खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी बात है वो हमको साफ साफ बताओ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आखिर गोकू को न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बनाना चाहते हो। जिसके ऊपर उन दोनों में से प्रेजेंट जिनोसामा कहते हैं, देखो ग्रैंड प्रीस्ट, हम चाहते हैं कि गोकू इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बींग बने, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गोकू एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा तो वो हमसे मिलने के लिए जरूर आता रहेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओ अच्छा तो ऐसी बात है जिनोसामा, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप गोकू को यहाँ पर अकेले बुलाओगे तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, क्या लेकिन हम ऐसे में क्या करें ग्रैंड प्रीस्ट, क्या गोकू अकेले में शक्तिशाली नहीं बन सकता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा जहाँ तक मुझे वीस से गोकू और वेजिटा के बारे में पता चला है, तो गोकू का साथी सयन जो कि वेजिटा है, गोकू जब कभी भी उसके साथ ट्रेनिंग करता है तो ये दोनों सयन एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में और भी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गोकू अकेला आता है तो शायद गोकू इतनी जल्दी अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाएगा। जिसके ऊपर फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, क्यों ना हम गोकू के साथी सयन वेजिटा को भी एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है जिनोसामा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वेजिटा ने यूनिवर्स 11 के होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो को हराया था। तो ऐसे में हो सकता है कि गोकू और वेजिटा दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के काबिल हो, लेकिन ये क्या सही रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बीरस और चांपा इस समय में अपना काम एकदम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जिसके ऊपर जिनोसामा काफी ज्यादा सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, जरा रुको, मैंने इन सभी के बारे में सब कुछ सोच लिया है, लेकिन इस समय मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गोकू और वेजिटा को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, तो उनको जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। जिसके ऊपर हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा की इस बात को मान लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट सीधा वीस से कॉन्टेक्ट करते हैं और वीस को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके गोकू और वेजिटा को यहाँ पर लाया जाए। जिसके बाद हम सभी देखते वीस सीधा यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ में चले जाता है और वहां पर जाते ही वीस देखता है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे होते हैं। जिसके बाद वीस उनसे कहता है, हेलो जेंटलमैन, आप सभी से मिलकर वापस काफी अच्छा लगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वीस आखिर तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ और तुम अकेले, लॉर्ड बीरस कहाँ पर है। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू तुम्हें और वेजिटा ने जिनोसामा ने याद किया है, तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहिए, ये मुझे ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज आया था। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या लेकिन अब उनको मुझसे क्या काम है, कहीं वो मुझसे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा टूर्नामेंट तो नहीं रखवाने वाले। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
क्या करोट का तो एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन जिनोसामा को मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर वीस कहता है, वो तो तुम्हें शायद वहीं जाकर पता चल जाएगा। तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम सभी देखते हैं ये बोलते गोकू और वेजिटा वीस के साथ जिनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं। और गोकू को देखते दोनों जिनोसामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो गोकू के साथ खेलने लग जाते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे जिनोसामा, आखिर आपने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू हमने काफी बढ़िया डिसीजन लिया है जो सुनके तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा जिनोसामा, तो आखिर क्या बात है, जल्दी बताओ। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि तुम और वेजिटा आने वाले यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुनके गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड बीरस अभी भी यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद हम सभी को बीरस का ही सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते बीरस और चांपा और वाडोस भी वहीं पर होते हैं। और बीरस कहता है, हाँ ये सब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके ऊपर चांपा कहता है, हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जब से वीस और वाडोस ने हमारी शिकायत करी है जिनोसामा से, तब से मुझे लग ही रहा था कि हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पद खतरे में है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए भी सब चीज सोच रखा है। कुछ समय के लिए तुम लोगों को आराम दिया जाएगा जब तक गोकू और वेजिटा नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे, और अगर इन्होंने अपना काम सही ढंग से किया तो अंत में यही यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बन जाएंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो सुन के वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं जिनोसामा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चांपा की जगह आखिर कैसे ले सकते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, वैसे तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जिनोसामा का फैसला है तो तुम्हें इसमें जरा और ढंग से सोचना चाहिए। जिसके ऊपर जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ गोकू, अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाते हो तो जरा सोचो तुम और वेजिटा कितने ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। और ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा सोचने लगते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या, अगर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा और अगर मैं कैकरोट को सरपास कर दूंगा तो मैं जरूर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहूंगा। जो सुन के बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद गोकू मन ही मन सोचता है, क्या सच में मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो मैं बाकी के यूनिवर्स के प्लैनेट, जिसे हर कोई ऐसे ही तबाह करता रहता है, मैं उन्हें सुरक्षित कर सकता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास और भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। जिसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है जिनोसामा, मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हूँ। और हाँ वेजिटा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते दोनों जिनोसामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है कि हम इन दोनों की ट्रेनिंग करके इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाए, तो हम चाहते हैं कि वीस और वाडोस की जगह तुम इन दोनों को ट्रेन करो ताकि ये जल्द से जल्द एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या सच में मुझे ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग मिलने वाली है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है जिनोसामा, जैसा आप चाहो। तो गोकू, वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वापस से अपने प्लेनेट अर्थ में जाओ और कुछ समय बिता के आओ, क्योंकि कल से तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिसके बाद हम सभी देखते वो सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। और जाने से पहले वाडोस गोकू से कहती है, हे, तुम बहुत ही जल्दी यूनिवर्स 6 के एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो, तो ये मेरे लिए एक काफी खुशी की बात होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वाडोस, ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं अब से तुम्हारा एक स्टूडेंट बनने वाला हूँ और मैं भी तुमसे काफी सारी चीजें सीखूंगा। जिसके बाद ये बोलते वो सभी वहां से निकल जाते हैं। और तभी बीरस रस्ते में कहता है, तुम दोनों सयन, आखिर तुमने मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पद मुझसे छीन ही लिया वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, इतनी जल्दी आप ऐसे उदास कैसे हो सकते हो? अभी भी आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसे कभी भी मत भूलना। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है,
हाँ लॉर्ड बीरस, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा सोते रहने या फिर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में मजा नहीं आता। और ये सुनके लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ हाँ मुझे सब पता है गोकू वेजिटा, आखिर तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। और ये बोलते हम सभी देखते गोकू और वेजिटा प्लैनेट अर्थ में पहुंच जाते हैं और वो ये सभी बातें सभी को बता देते हैं कि वो दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हैं, जो सुन के सभी लोग एक समय के लिए तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम खुद सभी सोच के देखो कि अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो मुझ में और वेजिटा में कितनी ज्यादा शक्तियाँ आ जाएगी। तो अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं और वेजिटा उसका बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वहाँ पर सभी लोग मान जाते हैं और गोकू और वेजिटा के यहाँ पर कुछ समय के लिए होने के बावजूद वो सभी एक काफी बड़ी पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते एक दिन बीत जाता है और गोकू और वेजिटा वापस से जिनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू वेजिटा, क्या तुम तैयार हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। और हम सभी देखते गोकू और वेजिटा ने ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही कपड़े पहन लिए होते हैं, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट मैं एकदम तैयार हूँ और इस बार कैकरोट मैं तुम्हें जरूर सरपास करके ही रहूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, ठीक है वेजिटा जैसा तुम्हें लगे। और हम सभी देखते हैं ये बोलती ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को फाइट के बीच में एक सलाह देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही ताकतवर होने की कोशिश करें। और ये बोलते वो तीनों आपस में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे करके कुछ समय बीता होता है। लेकिन गोकू और वेजिटा को अपनी बॉडी में काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है और गोकू कहता है, क्या बात है, कुछ ही देर की ट्रेनिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम सभी देखते हैं इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है और दूसरी तरफ जिनोसामा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करे हुए सभी लोगों और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग बुलाई होती है। और तभी हम सभी देखते वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं आप सभी से काफी इंपॉर्टेंट बारे में बात करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मिलकर एक साथ दो नए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाया है। जिसके ऊपर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बेलमोट कहता है, क्या दो नए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब मैं आप सभी के सामने दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुलाने जा रहा हूँ, जो की है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एंड नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पे आगे आते हैं, जिन्हें देख के वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी बीरस और चांपा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सब कुछ बता देते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी उन सभी को बता देते हैं कि आखिरकार कैसे जिनोसामा ने गोकू और वेजिटा को नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुना। जिसके ऊपर हम सभी देखते सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से अच्छे खासे नाराज दिख रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों सयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की बराबरी करने के लायक नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें भी ऐसा ही लगा था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमारा निर्णय पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करने वाले हो और आप सभी के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का होने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू कुछ कदम आगे आके कहता है, तो क्या आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो। और तभी वेजिटा आके कहता है, हाँ जिस किसी को भी लगता है कि हमारी ताकतें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है, तो मैं तुम सभी को बता के रहूंगा आखिर एक सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा,
आप सभी को मेरी पिछली बनाई हुई सीरीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका पहला पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। सो मेरे को कमेंट में बताना कि आप सभी को इसका पहला पार्ट कैसा लगा। और हाँ, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके आगे आने वाले पार्ट्स आप सभी के लिए लेकर आऊं और मुझे पता चले कि आप सभी को ये मांगा पसंद आई है, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है और इसके आगे आने वाले पार्ट मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा।